Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Quadratic Equation. Find the roots of 2x square plus x minus 4 is equal to 0. यहाँ पर हम method use करने वाले हैं roots निकालने के लिए quadratic formula. Quadratic formula होता है x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. ठीक है? So a हमारा यहाँ पर क्या है? A होता है x square का coefficient. तो ये हो गया हमारे पास 2. और b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 1. और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया माइनस के 4. सो हम फॉर्मूले में डालेंगे और डायरेक्टली हमारे पास रूट्स आ जाएंगे. सो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है माइनस 4 अपॉन 2a, 2 राइट सॉल्व करेंगे देन x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इनटू 2 इनटू 4 दैट इज कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 4 देन x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4 ठीक है. अब 33 के फैक्टर्स बनके कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि बाहर आए क्योंकि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 3 और 11 बनेंगे ठीक है. तो हमारा आंसर इसी फॉर्म में आएगा. हमने सिर्फ डिजिट्स को थोड़ा प्लस माइनस का साइन लेके अलग-अलग लिख देना है. सो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन. ये हो गया हमारा आंसर. ये रूट्स आ गए हमारे ठीक है. क्या आ गए ये रूट्स. जो x की वैल्यू होती है वही रूट्स होते हैं. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.